तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम हैं आम के बगीचे में और यहाँ हम आम के बगीचों को घूमने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आम की खेती कैसे की जाती है, उसकी देखरेख कैसे की जाती है और इस बगीचे में कौन कौन से आम के वेराइटीज़ हैं, कौन कौन से उसके प्रजाति है। तो इस बगीचे की सैर कराने के लिए हमारे साथ हैं इस बगीचे के मालिक और इस बगीचे को देख रेख करने वाले भाई हीरामणि साहू। आइए हम उनसे बात करते हैं। तो आप अपने बारे में बताइए, आप अपना परिचय दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम हीरामणि साहू है, ग्राम बगौत का निवासी हूं और ये बगीचा जो है कुरुद ब्लॉक के अंतर्गत धमतरी ज़िले में पड़ता है और हम आज भाई रेखराम साहू के रिक्वेस्ट पे एक बार फिर से इस बगीचे का वीडियो बनाने वाले हैं और आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये जो बगीचा है वो कितने एरिया में फैला हुआ है। 6 एकड़ में है, इसमें लगभग 200 पौधे लगे हुए थे लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में यहाँ पे 110 पौधे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? तो चलिए फिर मैं आपको ले चलता हूँ अपने बगीचे में और दिखाता हूँ कि कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं यहाँ पे। ये हमारे बगीचे का सबसे महंगा आम है, इसे मालगोवा कहा जाता है और कई लोग इसे गोला हाफूस भी बोलते हैं। और ये जो है मई के मध्य में आता है, जैसे अभी 15-20 तारीख को इसका पकड़ना शुरू हो जाएगा और ये काफ़ी पसंदीदा फल है, लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं और डिमांड भी बहुत है इसका, लेकिन अभी इसका पकना शुरू नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छा आम है, मीठा भी बहुत खूब है इसका। हाँ, इसको गोला हाफूस भी बोलते हैं और मालगोवा भी बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये है बॉम्बे ग्रीन आम और ये हमारे बगीचे में सबसे अर्ली वैरायटी का आम है जो सबसे पहले पकता है इस बगीचे में और इसका पकना भी शुरू हो गया 2 मई से और करीब करीब इसका एक तोड़ाई हो चुका है और इसका भी काफ़ी अच्छा डिमांड है मार्केट में। सबसे पहले पकने के कारण इसका रेट भी बहुत अच्छा रहता है और इसका जो मीठापन है वो लोगों को काफ़ी प्रभावित करता है। ये है 12 मासी आम और आप देख रहे हैं कि इसमें भी फूल लगा हुआ है और ये 2 बार फल लगता है। अभी गर्मी में एक बार फल लगेगा, उसके बाद फिर बरसात में एक बार फिर इसका मोर लगता है, फूल लगता है, फिर ये सितंबर अक्टूबर में इसका फिर तोड़ाई होता है। दोस्तों, अब 12 मासी के बाद हम आए हैं लंगड़ा में। ये है लंगड़ा आम जो काफ़ी मीठा रहता है, इसका टेस्ट सब आम से अलग ही होता है और इसका भी जो पकने की क्रिया है वो जल्द ही शुरू होने वाली है क्योंकि इसमें 1-2 आम अभी टपकना शुरू हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा साइज भी है, मार्केट में इसका अच्छा डिमांड भी है। जैसे कि शुरू में हमने आपको दिखाया था मालगोवा गोला हाफूस का पौधा, उसके बाद हमने आपको दिखाया था बॉम्बे ग्रीन का, उसके बाद हमने आपको दिखाया 12 मासी का, उसके बाद फिर आया है लंगड़ा। लंगड़ा एक ऐसा वैरायटी है जिसका टेस्ट सभी से अलग होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लंगड़ा का फल दिखाया, इधर एक वैरायटी और लगा हुआ है और इसके बीच में जो दूरी है, गैप है, उसमें हमने ये आप देख रहे हैं कि धनिया लगा दिया गया है। यह धनिया पत्ती बहुत ही हरा भरा, इधर लौकी लगा हुआ है, तो जो खाली जगह बचा हुआ है उसका भी उपयोग यहाँ पे हो रहा है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं यहाँ 64 वैरायटी पर और ये वैरायटी जो है थोड़ा लेट वैरायटी है, इसमें मोर भी लेट से लगता है और ये पकता भी लेट से है और इसकी खासियत एक और है कि ये जैसे कच्चा में इसका टेस्ट ना ये खट्टा रहता है ना मीठा रहता है, ये बिल्कुल शकरकंद जैसा रहता है और इसका जो स्वाद होता है वो सीताफल के जैसा एकदम मीठा रहता है। दोस्तों, ये है हमारा लास्ट प्रजाति हमारे बगीचे का, जिसे दशहरी बोला जाता है और आप सभी जानते हैं दशहरी की प्रजाति कैसी होती है और दशहरी नाम से बिकता है।
एक आम पका हुआ दिख रहा है पेड़ से, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेड़ से आम जो है लटका हुआ है, पेड़ से पक गए हैं पूरी तरीके से। ये है दशहरी आम, ये समझ लीजिए कि ये अभी अब पकना शुरू हो चुका है। ये देखिए पूरा ये पीला होने वाला है। तो हम आपको इस आम को काट के दिखाएंगे कि इसका अंदर कितना पीला हुआ है, और टेस्ट भी कराएंगे हमारे यहाँ जो आए हुए हैं रेखराम भाई को, वो बताएंगे कि ये कितना मीठा है। तो रेखराम भाई आप आ जाइए यहाँ पे चाकू लेके। ये ले चाकू, खाने की बात है तो फिर देरी नहीं करनी चाहिए। काफ़ी अच्छा कलर आया हुआ है, और इसको हम रेखराम भाई को आज टेस्ट कराएंगे और जानेंगे कि इसकी मिठास कैसी है। काफ़ी मीठा है, और आप देख को लालच भी आ रहा होगा। मजा आ गया। अभी आप मेरे पीछे में देख सकते हैं आम का तुड़ाई का काम चल रहा है। वो अपने हाथ में कुछ लंबा सा डंडे जैसा कुछ लिए हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये है हमारा आम तोड़ने का उपकरण, जिसे देसी जुगाड़ भी बोला जाता है, और इसे मैंने YouTube पर देख के बनाया था। ये है एक PVC पाइप, और ये 3 इंच का है। आप अपने आम के साइज के हिसाब से इसका साइज लगा सकते हैं, और इसमें ये कटिंग किया हुआ है आम फंसाने के लिए। यहाँ आम जाता है इस तरह से, ये जैसे आप यहाँ पे फंसाएंगे ये ऐसे टूट जाएगा। टूटने के बाद ये कपड़े के जरिए से ये नीचे तक जाता है, जिससे क्या होता है कि आम सुरक्षित अपने पास पहुँच जाता है। किसी प्रकार का इसमें स्क्रैच नहीं आता, कोई टूट फूट नहीं होता है। तो ये काफ़ी अच्छा जुगाड़ है, ये हम ऊंचाई वाले फल को तोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। मैं यहाँ पे रात की रखवाली के लिए 2 कुत्तों को रखा हूँ, जिसमें एक जर्मन शेफर्ड है और एक अपना देसी नस्ल का कुत्ता है। और रात में अगर कोई भी हलचल होती है तो ये इन लोग चिल्लाकर भौंककर हमें सूचना दे देते हैं कि कोई ना कोई बगीचे पे आया है। तो इस तरह से हमें जानकारी हो जाती है। और एक संदेश मैं और आपको देना चाहूँगा दोस्तों, कि जब भी आप यहाँ पे आम लेने के लिए आएँ तो ज़रूर मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करके आएँ। यदि आप चाहें तो फ़ोन करके हमें होम डिलीवरी के लिए भी बोल सकते हैं, हम सुविधा देंगे। कोरोना काल में स्वयं भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद। तो साथियों, आज मैं पूरा दिन ये आम बगीचा घूमा, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप भी यहाँ आइए और इस मीठे अनुभव का स्वाद लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।